हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जी के जन्मोत्सव पर आज जौनपुर के कचहरी स्थित पार्क का नामकरण भी हुआ और साथ ही साथ उनकी प्रतिमा लगाकर उसका अनावरण भी किया गया। छेम स्वनी नामक संगठन ने इस पार्क के देख रेख की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। पार्क के सौंदर्यीकरण से लेकर इसकी देख रेख सारे कर्तव्य अब इस संगठन के ही द्वारा पूरा किया जाएगा। यही मौके पर जिला अधिकारी समेत कृपा शंकर सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, दिनेश टंडन, वशिष्ठ नारायण सिंह समेत जनपद के जाने माने पत्रकार विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ मौजूद। छेम जी द्वारा लिखी गई किताबों को अपने अतिथियों को देकर संगठन ने उनका स्वागत किया। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर छेम संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य लोगों ने क्या कहा। कुछ करिए क्योंकि यहाँ की सड़कें बड़ी ख़राब हैं और पार्क की स्थिति आप देख ही रहे हैं। हालांकि यहाँ के सुंदरीकरण के लिए कहा भी गया है, तो आप इस पर किस प्रकार का अपने तरफ से करेंगे? नहीं, मैं अपनी तरफ से पहल मतलब अभी सब चीज़ तो प्रशासन और जो सरकार का है उनके हाथ में है। अब ईश्वर से प्रार्थना करिए, जब कुछ यहाँ के कुछ बनूंगा तो मुझे भी एक इच्छा है कि एक सुंदर शहर बने, सारी सुविधाएं पब्लिक के लिए हों, लोगों के लिए हों, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हों। जैसे आपने अभी पूछा कि क्रीड़ा के लिए, हॉकी क्रिकेट इसके लिए सचमुच कुछ नहीं है, तो उसकी भी ज़रूरतें यहाँ पे हैं, वो भी पूरा किया जाएगा और आने वाले भविष्य में देखेंगे आगे क्या हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पार्क को गोद लिया, इसके रखरखाव की कैसे यहाँ से व्यवस्था हो पाएगी, मतलब किस प्रकार से इस पार्क का रखरखाव होगा और यहाँ के जो भी अभी यहाँ की स्थिति देख रहे हैं उसे कैसे बेहतर करेंगे? हम लोग अपनी जो हमारी संस्था है छेम स्वनी, उसके माध्यम से जो उसके सदस्य हैं और जनपदवासी जो साहित्य प्रेमी हैं, जनपद के जिला अधिकारी, जनपद के प्रशासनिक अधिकारी और विशेष तौर से नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ, इन सब के सहयोग से इसको अगले वर्ष जब ये शताब्दी समारोह डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम का मनाया जाएगा, उस समय तक यह पार्क आपको मालूम पड़ेगा कि छेम उपनगर है। और अगर प्रशासन से हमने गोद लिया है तो इसको अगले वर्ष तक इसको इतना सुंदर बना देंगे, जो लोग आएंगे मनोरम हो जाएगा, देखेंगे और वो कहेंगे कि हाँ कोई पार्क बना है और साहित्य प्रेमी सब जनपद के प्रसन्न होंगे उसको देखकर। मतलब जौनपुर में एक नई पहल। हाँ, नई पहल होगी बिल्कुल। अगला सवाल आपसे हम करेंगे भैया कि ये पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है जनपद में कि गैर राजनैतिक प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस पर किस प्रकार से हुआ, ये कैसे ये विचार आया, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, बताइए। ऐसा है, बड़े लंबे अरसे से साहित्य वाचस्पति डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम की प्रतिमा का स्थापना के लिए हम लोग प्रयासरत थे। प्रतिमा बन चुकी थी एक दिन, अभी चूँकि जन्मदिवस के लगभग दो हफ्ते पूर्व जिलाधिकारी से हम लोग मिले, बताए कि प्रतिमा, उन्होंने स्वयं कहा कोई ऐसा स्थान बताइए, क्योंकि चौराहे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौराहे पर कोई नई मूर्ति नहीं लगेगी, जो लगी हैं वही रहेंगी, तो पार्क में ही लग सकती थी। तो उन्होंने कहा कोई पार्क बताइए, तो हम लोगों ने कहा कि एकदम के घर के समीप यह पार्क है, अगर यहाँ स्थापित कर दिया जाए और पार्क को गोद दे दिया जाए। इस बात पर जिलाधिकारी जी श्री मनीष वर्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सहर्ष स्वीकार दे दिया। और यह आपको जानकर हर्ष होगा कि जनपद के निवासी किसी भी व्यक्ति की, चाहे किसी क्षेत्र का रहा हो, यह पहली प्रतिमा है जो स्थापित हुई है जनपद में। इसके पहले बहुत लोग अपने स्वच्छंद तमाम स्कूलों पर लोग स्थापित किए, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति की यह प्रथम प्रतिमा है। हालांकि जौनपुर में शहीद भगत सिंह की, गांधी जी की या पटेल जी की तमाम मूर्तियां हैं, लेकिन जनपद के निवासी किसी व्यक्ति की पहली मूर्ति है। और यह और हर्ष का विषय है कि साहित्य क्षेत्र से यह मूर्ति की स्थापना की गई, साहित्य वाचस्पति डॉक्टर श्रीपाल सिंह छेम जी की यह मूर्ति आज 99वें वर्ष पर उनके जन्म जयंती पर की गई है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि छेम स्वनी संस्था 100 वर्ष का जो उनका 100वां वर्ष होगा उस समय बहुत भव्य और उत्कृष्ट कोट का कार्यक्रम करेगी, जो देश स्तर पर अपना नाम करेगा। ये बड़ा ही बेहतरीन आपने वक्तव्य दिया इस पर कि ये साहित्य के क्षेत्र से हैं,
लेकिन क्या यहाँ पर और भी जो व्यक्ति हैं यहाँ के, जो यहाँ के महापुरुष जिसे हम कह सकते हैं, उनकी भी जो खोई हुई एक कह सकते हैं कि उनकी एक इतिहास जिनको बना दिया गया है, उनको आप दोबारा से जीवित रख रहे हैं? देखिए, एक व्यक्ति के भरोसे यह काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए तमाम संस्थाएं हैं जो तरह तरह के प्रयास में संलग्न रहती हैं। उन संस्थाओं को प्रयास करना चाहिए, तमाम महापुरुष जो भी यहाँ राजनीतिक रूप से योगदान दिए, सामाजिक रूप से दिए, साहित्यिक रूप से दिए, सबके लिए अलग अलग संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। अगर हम लोगों सहयोग कोई होगा तो हम लोग करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जब भी साहित्यिक बात हो किसी और, छेम जी तो मान लीजिए शीर्ष पुरुष थे, अगर इनसे इनके समकक्ष भी कोई अन्य भी व्यक्ति हो, कहीं अगर उन्होंने स्थान देख कर कहा कि आप चलिए हम लोगों के साथ और प्रशासनिक पहल करिए, राजनीतिक पहल, तो हम लोग उसमें कहीं पीछे हटे नहीं गए और साहित्यिक विभूतियों को जो जनपद के हैं उनकी मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।